नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि अगर तीन बल्ब हों और तीन स्विच हों तो एक बार में एक से ज़्यादा बल्ब ऑन ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये सेटअप है, ये तीन बल्ब हैं, ये एलईडी बल्ब हैं, ये तीन स्विच हैं और यहाँ से दो वायर आ रहे हैं, लाल और काला, ये एसी सप्लाई से आ रहे हैं और ये दोनों हमने पार्टीशन लगा रखे हैं जिससे दो बल्ब की लाइट एक दूसरे से मर्ज ना हो। कई बार क्या होता है कि किसी बड़ी जगह जैसे गैरेज या बड़े कमरे में कई बल्ब लगे होते हैं और एक ही बल्ब से काम चल सकता है जिस किनारे हमें लाइट चाहिए, मगर सारे बल्ब ऑन रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमने बनाया है। ये जो स्विच हैं, टॉगल स्विच हैं, डबल पोल डबल थ्रो, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। नॉर्मल वाले दो स्विच ले लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। अब मैं इन बल्ब को ऑन ऑफ करके इसका ऑपरेशन दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला बल्ब इस स्विच से ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है। ये वाला बल्ब इससे ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है। ये वाला बल्ब इससे ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है। अब मान लीजिए ये बल्ब ऑन है और किसी ने ये बल्ब भी ऑन करने की कोशिश की इससे, तो ये ऑन नहीं होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। देखिए, मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए, तो अभी दो ऑन है तो कोई ऑन नहीं होगा, तो एक ही ऑन रहना है। हम मान लीजिए ये वाला ऑन है और हमने इसको भी ऑन करने की कोशिश की तो ये भी ऑफ हो जाएगा, दो ऑन नहीं हो सकते। इसी प्रकार अभी खाली ये ऑन है, हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, तो ऑन किया तो ये भी ऑफ हो गया, एक बार में एक ही बल्ब ऑन होगा। अब हम ये वाला बल्ब ऑन रखते हैं, ये अकेला ऑन है, इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, ये भी ऑफ हो गया। इसी प्रकार अगर ये बल्ब ऑन है और इसको भी अब ऑन करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा। देखिए, ये दोनों ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ऑन नहीं है। तो इस तरह एक बार में एक ही बल्ब ऑन होगा और अगर एक बल्ब ऑन होने पर आप दूसरा ऑन करने की कोशिश करते हैं तो पहला भी ऑफ हो जाएगा। एक से ज्यादा बल्ब इसमें ऑन नहीं हो सकते, मगर कोई भी बल्ब आप ऑन कर सकते हैं, ये चॉइस है। अब इसको मैं रिवर्स करके उल्टा करके दिखाता हूं इसके सारे कनेक्शन, उसके बाद मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ये पीछे के कनेक्शंस हैं, ये टॉगल स्विच है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। तो ये अकेला टॉगल स्विच डबल पोल डबल थ्रो इन दो स्विच के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो कनेक्शन किए हैं, कई रंग के वायर यूज किए हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला। तो जो सर्किट डायग्राम हम दिखाएंगे उसमें जो कनेक्शन की कलर कोडिंग है वो हमने कोशिश की है कि वही रखें जो कि यहाँ पर हैं। अब मैं इस बोर्ड को आपको जरा पास से दिखाता हूँ। ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ से पावर सप्लाई आ रही है, ये तीन बल्ब हैं और ये तीन स्विच हैं, ये वाले, ये एक स्विच है 6 टर्मिनल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसा इसमें 6 हैं। और यहाँ हम कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, देखिए, ये दोनों इधर हो जाएंगे या दोनों इधर आ जाएंगे। ये ऐसा है, या तो ये और ये दोनों स्विच ऑन होंगे या दोनों ऑफ होंगे।
अब क्या होता है, इसको जब हम ऑफ रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, तो नीचे वाले कनेक्शन शॉर्ट होते हैं। तो जब ऑफ है तो ये नीचे वाले शॉर्ट होंगे, जब इसको हम ऑन करेंगे नीचे करके तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए हमने ये ऑफ पोजीशन में दिखाया है, क्योंकि शुरू में ऑफ है। अब इसका फंक्शन कैसे होगा हम बताते हैं। मान लीजिए इस बल्ब को ऑन करना है तो ये हम नीचे करेंगे, जब ये नीचे करेंगे तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो ये वाला भी इधर चला जाएगा और ये वाला भी इधर चला जाएगा। तो आप देखिए इस बल्ब को सप्लाई कैसे मिल रही है, ऐसे। ये सर्किट पूरा हो गया। इस सर्किट में इसके और इसके स्विच भी सीरीज में आ रहे हैं, जिससे जब हम इसको ऑपरेट करें तो ये ऑफ हो जाए। देखिए लाइन है, ये वाला कांटेक्ट आ रहा है, जब इसको हम ऊपर खिसकाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस स्विच का ये वाला आ रहा है, तो ये और ये इसके सीरीज में आ रहे हैं, तो ये ऑन है। अब अगर हम इसको भी ऑन कर दें तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब देखिए इसमें सप्लाई कैसे आएगी, नहीं आ रही है, इसीलिए ये ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इससे दिखा इसको ऑन करते हैं, इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाते ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो इसकी सप्लाई बंद हो गई। ये देखिए यहाँ सर्किट नहीं है, तो इसमें सप्लाई नहीं जा रही, तो ये बल्ब ऑफ हो गया। तो अगर दो ऑन है, ये ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, अगर दो ऑन है तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। इसी प्रकार से तीनों काम करते हैं। अब हम आज यहीं समाप्त करते हैं।